हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू गाइस डूइंग टुडे? वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एमी वे का नया गाना जवाब दे। इट्स बिन आउट फॉर अ वाइल। मैं थोड़ा वेट करता हूं, आपको पता मुझे कभी कभार जब मैं टाइमिंग बन जाती है, जैसे एमसी स्टैंड वाले इस पर बन गई थी कि आई वाज लाइव और उसी वक्त उनका गाना रिलीज हुआ, सो आई जस्ट रिकॉर्डेड अ वीडियो। या लेट्स गो एंड चेक आउट। आई नो देयर इज दिस टसल एंड ऑल दैट, बट आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट टसल ब्रो। मेरे लिए दोनों आर्टिस्ट बहुत नेक्स्ट लेवल लोग हैं। Yeah, I keep forgetting why I fell in love with his art, man. He is true artist, jise kehte hain bro. Nature hai iska art. Iski nature mein hai art. Ye forced art nahi hai, ye nature art hai. You know, there's two kinds of artists in this world. Ye baat aap dekh lo aaj, aapko nazar aa jayega. Ab to itna example dekh chuke ho aap log YouTube pe ki aapko pata hai do tarah ke artists hain YouTube pe aur duniya mein, movies mein, music industry mein, film industry mein, painting industry mein, har jagah. Ek wo जिसके पीछे बहुत सारी पावर होती है और उसको शौक बहुत होता है, पैशन होता है, मैं नहीं मना करता। स्टार किड्स जिनको हम कहते हैं, नेपोटिज्म वाले जो लोग होते हैं या सोर्स वाले लोग, पर्ची वाले लोग जिनका रेफरेंस होता है, जिनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनको शौक होता है। मैं मानता हूँ ऐसा नहीं कि उनको शौक नहीं हो फिर भी उनको लगा दिया कि तू कर ले, तू बन जा। उनको बहुत शौक होता है, उनके पास टैलेंट नहीं होता है, अल्लाह की तरफ से, ऊपर से, गॉड गिफ्टेड। एंड देन देयर इज दीज बॉयज लाइक एमीवे, बॉयज लाइक स्टैन, राइट? इनको दिया गया टैलेंट है, उनको शौक तो है, वो तो सबको है, जो जो कर रहा है काम बेचारा, सबको शौक है। मुझे भी शौक है, सबको शौक है, मुझे भी शौक है मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा एक दिन, बहुत बड़ा, राइट? बचपन से शौक था एटलीस्ट। नाउ आई जस्ट डायरेक्ट माय ओन वीडियोस। बेसिकली पॉइंट यह है कि किसी के पास टैलेंट होता है, किसी के पास नहीं होता, इट्स जस्ट दुनिया का दस्तूर है। एंड ही इज़, यू नो, वी अंडरस्टैंड, कोई पावर नहीं, कोई जस्ट बिल्ड हिज ओन थिंग। एंड ही इज़ ये इस ग्रुप में, और फिर कुछ लोग हैं जो उस ग्रुप में जो हैं टैलेंटेड भी हैं, हाफ टैलेंटेड हो सकते हैं, यू नो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड नहीं हो सकते। होता है यार, आर्टिस्ट पेंटर्स की देखो ना यार, कितने कितने बच्चे हैं जिनको बचपन में लोग बोलते हैं अरे तुम्हारी ड्राइंग कितनी अच्छी है, तुम तो बहुत बड़े आर्टिस्ट बनोगे, और फिर जब वो बड़े होते हैं तो वो देखते हैं कि 10,000 और उनके तरह के, उन्हीं के लेवल के और आर्टिस्ट भी हैं, सिर्फ सोशल मीडिया में। तो ऑफ सोशल मीडिया कितने, सो यस, यू कैन बी स्पेशल एंड स्टिल नॉट बी, यू नो, स्पेशल। तो दैट्स जस्ट टू एक्सप्लेन टू पीपल व्हाई आई स्टिल फक विद एमीवे एंड हिज म्यूजिक, बिकॉज इस लड़के ने अपने आप को प्रूव किया और देखो कहाँ पहुँचा हुआ है आज, और आज भी अपना स्वाग इसने जिंदा रखा हुआ है, अपना फ्लो इसने बरकरार रखा हुआ है। आई डू नॉट लाइक मेक फन ऑफ हिज लिरिकल एबिलिटी आर फकिंग इडियट्स। आई जस्ट, मेरा अभी रेवलेशन हुई है मुझ पर। हम लोग, मैं भी कभी कभार कुछ गानों में मैंने बोलता कि यार ये क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इट्स ब्रो, इट्स आवर प्रॉब्लम। हम चूकी हैं, हम इडियट्स हैं कि हमें समझ नहीं आता, क्योंकि वो भाई दिल की बातें लिख रहा है। और कभी कभार सोचो जरा इस बारे में, एमीवे को हटा दो सिचुएशन, अपने आप पर रख के सोचो, कभी कभार दिल की बातें जो कहते हैं होती हैं, दे डोंट मेक सेंस, राइट? कभी कभार दिल से ऐसी बातें निकलती है, आप बोलते हो क्या क्या है यार, बहुत हो गया, ये ज़्यादा सोच रहे, राइट? दिल की बातें होती हैं जो कहते हैं, वो दिल की बातें होती हैं, वो दिमाग की बातें नहीं होती हैं। दिमाग डज द थिंकिंग, दिल डजंट डू द थिंकिंग। यू गाइस नो व्हाट आई एम सेइंग। वो बातें लिख देता है, बोल देता है, आधी समझ में आए, पूरी समझ में आए, कोई बात। और यही रैप की एवोल्यूशन थी भाई जान। 1950-40 में जब जाते हैं ना पीछे, जब रैप पैदा हो रहा था, जब अमेरिका के सियाफाम लोग जो थे वो रैप को जन्म दे रहे थे, बढ़ा रहे थे, जिंदा रख करने की कोशिश कर रहे थे, तो यही हो रहा कि वो बस दिल की बातें बोल रहे थे। उनको, उनके पास पैसे नहीं थे इंस्ट्रूमेंट बजाने के, खरीदने के, गिटार सीखने के, हार्ट्स बजाने के, पियानो खरीदने के, वो सिर्फ गोरे वाइट लोगों के पास होते थे। तो वो क्या करते थे, वो उनके उनके पास जो होता था उसको यूज करते थे फ्री में, गला। तो आकर पहला उन्होंने स्टार्ट कर दिया करना एक दूसरे के साथ रिदम, उसी साथ रैप केम टू बी। रैप का सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट क्या है, कंप्यूटर पे एक थोड़ा सा म्यूजिक, बट इट्स द वॉइस, इट्स द वर्ड्स दैट आर द मोस्ट पावरफुल थिंग अबाउट रैप। कम फास्ट फॉरवर्ड प्रेजेंट डे, दैट्स द एसेंस ऑफ रैप। से व्हाट योर हार्ट फील्स लाइक, इट कुड साउंड स्टूपिड, इट कुड साउंड जीनियस, डिपेंडिंग ऑन हु इज लिसनिंग। कितने रैपर्स अमेरिका में दे से सच डम शिट, जो मुझे आज से 6 साल पहले डम लगती थी, और अब मैंने जब वो लाइफ थोड़ी सी समझी है, देखी है अपनी आंखों से, तो मुझे वो बातें, मैं दोबारा सुनता हूँ गाने, जैसे वो ड्रेक का गाना है ऑल मी, आई लिसन टू द सॉन्ग, उसमें इतने सारे रेफरेंस थे जो मुझे समझ ही नहीं आए थे पहले, जब मैं पहला साल आया था अमेरिका में, तो क्या चुतिया भी बातें करते हैं अमेरिकन, जीती हैं सारे, इनको पता भी नहीं असली लाइफ क्या होती है। और बहुत सारे लेवल्स पे ऐसा, बट देन आई रियलाइज, ओह, देयर वाज रेफरेंसेस एंड देयर वाज थिंग्स दैट आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड बिकॉज़ आई कुडंट रिलेट। So that's what I feel like with Emiwe too. Sometimes he says things, जो उसको पता होता है दिल में कि इसने क्या लिखा है, ये क्या बोला है. It might not make sense to you at first glance. There might be some reason behind it from the heart. So always take that into consideration before acting superior to somebody else. और ये मैं बोल रहा हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ यार. I tend to think like I know everything and I know more than anybody else. तो मैं अपने आप को भी पकड़ता हूँ ये करते हुए. इसीलिए advice आप सबको भी है. Okay, I like the beat, but I wasn't in love with the beat. I'm not gonna lie. Akash चीता है. काम टाइट किया, बीट बहुत फाड़ू थी, पता नहीं क्यों मिसिंग लग रहा था कुछ के, इसकी आवाज़ को और इनकैप्सुलेट नहीं किया सही से, इसके 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 भरम को और ज़रा थोड़ा सा प्रोडक्शन उस पर और चाहिए थी, पता नहीं मेरे कान बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या चाहिए था,
आई डोंट नो, आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट ट्राइंग टू लेक्चर एनीबॉडी, पर मैं बता रहा हूँ मेरे कान मिस क्या कर रहे थे थोड़े से, वो ये मिस कर रहे थे कि इसकी आवाज़ को थोड़ा और इनकैप्सुलेट करना था विद सम मोर आई डोंट नो पैड्स, आई डोंट नो, आई डोंट गाना फाड़ दो. एमिवे शोड अस व्हाई वी लव हिम, राइट? एमिवे याद था मैं अग्रेसिव फाड़ू खुल के आने वाला, अपने आप को डाउट करने वाला, अपनी इनसिक्योरिटीज को सामने रखने वाला कि भाई मैं ये चिल्लर से मैंने बनाया पिल्लर, मैंने यू नो खाना नहीं खाता था रोटी, ये लिटरली पहले दिन से सब बता रहा भाई अपना कि मैं भाई हम तो थे चड़क से आए, हमने बिल्ड किया भाई अपने बलबूते पे अपने पसीने पे. सो दैट्स जस्ट फकिंग जस्ट मैड फकिंग क्रेजी ब्रो, मैड रिस्पेक्ट. गो चेक आउट एमिवे बंटाइलर स्टफ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. आई लव यू ऑल.